नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर काव्य गोष्ठी की ये संध्या सजी है और इस पे हमारे साथ बहुत जाने माने काव्य विधा से, बल्कि हम यूं कहें कि साहित्य की सभी विधाओं से समृद्ध रचनाकार आज हमारे बीच हैं। हमारे साथ आज काव्य गोष्ठी में हैं आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी, जो कि ग्रेटर नोएडा दिल्ली से हैं, और हमारे साथ हैं देवेंद्र पाठक मेहरूम जी, जो कि अभी जुड़ने के उपक्रम में हैं और जल्द ही हमारे ऐसी उम्मीद है हमें कि वो जल्द ही हमारे साथ होंगे। आज की इस शाम में आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी का मैं स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार राजेश जी, पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भट्ट कमल जी की लेखनी के बारे में कुछ बातें। हर विषय पर, हर विधा पर उनकी लेखनी पूरी रफ्तार से और पूरे जोश के साथ और पाठकों का मन मोहती हुई चली है। चार कहानी संग्रह उनके छप चुके हैं, चार गजल संग्रह, और गजल पर एक सैद्धांतिक कृति भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है, चार यात्रा वृत्तांत। अब इसमें मैं थोड़ा संशोधन कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी तो अभी उन्होंने बताया कि एक छोटा सा यात्रा वृत्तांत अभी अभी और तैयार हो गया, तो मैं तो पांच कहूंगी, पांच यात्रा वृत्तांत उनके तैयार हुए हैं। एक हाइकू संग्रह है, दो साक्षात्कार संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और बाल साहित्य की पांच कृतियों सहित कुल 21 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। विशेषज्ञता की बात करें तो हाइकू कविता पर उन्होंने विशेष रूप से बहुत सारा काम किया है। शीतलवाणी पत्रिका द्वारा व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित 180 पृष्ठों का विशेषांक जून 2019 में, जिसमें केंद्र आदरणीय कमलेश जी थे, प्रकाशित हो चुका है। संगमन मंच के संस्थापक सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान परंपरा किताबघर प्रकाशन, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संस्थान और प्रेस्टिज संस्थान समेत कई संस्थानों से पुरस्कृत और सम्मानित हो चुके हैं। जूनियर कक्षाओं के कुछ राज्यों के पाठ्यक्रमों में आपकी रचनाएं संकलित की गई हैं, पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, जिन्हें छात्र पढ़ रहे हैं। और यात्राओं के संस्मरण के लिए मैं ये बता देना चाहूंगी कि मेरे पास एक छोटा सा क्लू है, तो उसे मैं जरूर साझा करना चाहूंगी। श्रीलंका, मलेशिया, उज्बेकिस्तान और नेपाल समेत कई देशों की यात्राएं की हैं, और ये इन देशों के नाम मैं इसलिए बता रही हूँ कि यात्राओं का प्रयोजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जो इनका कवि लेखक हृदय है, वो यात्राओं के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेता है जो कि साधारण मनुष्य की आंखों में नहीं आ पाता, और वो यात्राएं विशिष्ट संस्मरण बन जाती हैं। तो आज कमलेश भट्ट कमल जी हैं हमारे बीच, देवेंद्र पाठक जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो जल्दी जुड़ पाएंगे। तो अब आज की इस काव्य संध्या की शुरुआत आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी की रचना से ही करूंगी। हमारे साथ जुड़ गई हैं दिव्या त्रिवेदी जी। दिव्या त्रिवेदी स्वयं एक बहुत अच्छी लेखिका और कवयित्री हैं, बहुत संवेदनशील और बहुत सूझबूझ से भरी उनकी रचनाएं होती हैं। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांतिलाल जी हमारे साथ हैं। कांतिलाल जी एक बहुत ही विद्वान और संगीत साहित्य कला में रुचि रखने वाले एक बहुत समझ लीजिए विशेषज्ञ, जिनको कि उस जिस चीज के भी बारे में बात हो रही है, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे संगीत की बात हो, चाहे कला की बात हो, वो उसमें कहीं ना कहीं उनका जो एक फुट रहता है उसे पता लग जाता है कि वो कितने अंदर तक इस विषय में, जिस विषय की बात हो रही है, उस विषय से कितना अंदर तक जुड़े हुए हैं। कांतिलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो
आज की इस काव्य संध्या की शुरुआत कर रही हूँ कमलेश भट्ट कमल जी की रचना से। स्वागत है आदरणीय जी। धन्यवाद राजुल जी, आपने बहुत विस्तार से हमारा परिचय दिया। उस परिचय में एक छोटा सा और हम हिस्सा जोड़ लेते हैं कि हम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो साहित्य की दृष्टि से बहुत उर्वर धरती रही है। त्रिलोचन शास्त्री जी हमारे घर से 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के रहने वाले थे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हमारे घर से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण के रहने वाले थे। और दो बहुत बड़े कथाकार संजीव जी हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर ठीक पूरब के रहने वाले हैं। कवि नई कविता के बहुत महत्वपूर्ण कवि थे मान बहादुर सिंह जी, वो हमारे घर से करीब 8 किलोमीटर पश्चिम के रहने वाले थे। तो उनके बीच में मैं वहां पर पैदा हुआ सुल्तानपुर में, जफरपुर नामक गांव। क्या बात है, क्या बात है। तो पढ़ाई लिखाई हमारी लखनऊ की हुई और नौकरी के मामले में भटकते हुए पूरा उत्तर प्रदेश, अब आखिर में हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहे हैं। मुंबई हमारा बहुत प्रिय शहर है, वहां से जब भी हमें कोई निमंत्रण मिलता है मैं उसको बिल्कुल तुरंत स्वीकार करता हूं और इसके लिए आभारी हूं कि आज मुंबई से आपने अपने पटल से मुझे जोड़ा है। मैं अपनी कुछ बातें कहने की कोशिश करूंगा आपके पटल से। सबसे पहले मैं अपनी कुछ हाइकू कविताएं सुनाना चाहूंगा और शायद आपके मंच पर किसी ने हाइकू कविता के बारे में जिक्र नहीं किया होगा। मैं थोड़ी सी भूमिका बना दूं हाइकू कविता की कि हाइकू कविता दुनिया की सबसे छोटे कलेवर की कविता है। सिर्फ 17 अक्षर की कविता होती हाइकू और पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर, तीसरी में 5 अक्षर, इस तरह कुल 17 अक्षरों की कविता होती है हाइकू। और इन्हीं 17 अक्षरों में कुछ कमाल हो जाए तो हो जाता है। और ये मूलतः जापान की विधा है, जापान से ये पूरी दुनिया में इस समय फैली हुई है और अपने हिंदुस्तान में तो बहुत गहराई तक जो छोटी छोटी बोलियां हैं वहां तक इसका विस्तार हो चुका है। मुंबई में भी बहुत सारे लिखने वाले इसके हुए हैं। तो इसको नामवर सिंह जी कहते थे कि हाइकू कोई कविता नहीं, एक संस्कृति है। और इसको जापान में प्रतिष्ठित किया था 17वीं शताब्दी में, बाशो एक बहुत बड़े कवि हुए हैं और तमाम सारे हमारे देश के बड़े बड़े रचनाकारों ने इसका अनुवाद किया है जापानी से अंग्रेजी होते हुए हिंदी में। अज्ञेय ने 1959 ईस्वी में अरे वो करुणा प्रभामय में पहली बार हाइकू की अधिकृत चर्चा की थी। उसके बाद फिर डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा JNU में जो जापानी भाषा के प्रोफेसर थे, वो देश के पहले प्रोफेसर थे जापानी के, उन्होंने फिर इसको बताया कि ये 5-7-5 के वर्ण क्रम में 17 अक्षर की कविता है। तीनों लाइनें आपस में स्वतंत्र होती हैं और फिर तीनों मिलकर एक कविता का निर्माण करती हैं। आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं, शब्द और अक्षर में फर्क हम लोग जानते हैं। 5 अक्षर पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 7 अक्षर और तीसरी में 5 अक्षर, कुल 17 अक्षर की कविता है। तो मैं कुछ हाइकू सबसे पहले प्रस्तुत करता हूँ, शायद हमारी बात हमारे मित्रों के पास तक पहुंच सके। पहला हाइकू है, कौन मानेगा, कौन मानेगा सबसे कठिन है सरल होना। कौन मानेगा, ये 5 अक्षर हो गए, सबसे कठिन है 7 अक्षर हो गए, सरल होना ये 5 अक्षर हो गए, कुल 17 अक्षर में कविता पूरी होती है। दूसरा हाइकू देखें, मुझमें भी हैं मेरी 7 पीढ़ियां, मुझमें भी हैं मेरी 7 पीढ़ियां, तन्हा नहीं मैं, मुझमें भी हैं मेरी 7 पीढ़ियां, तन्हा नहीं मैं। एक हाइकू देखें कि आयतन है, मात्रा भी है हम में, घनत्व तो नहीं। आयतन है, मात्रा भी है हम में, घनत्व तो नहीं। आगे देखें कि जहां भी मिले, जहां भी मिले मरोड़ते रहिए दर्द के बाजू, जहां भी मिले मरोड़ते रहिए दर्द के बाजू। ज्यों ज्यों घटेगा दिल का क्षेत्रफल दर्द बढ़ेगा, ज्यों ज्यों घटेगा दिल का क्षेत्रफल दर्द बढ़ेगा। मुंबई की धरती से एक हाइकू कह ले आपकी, समुद्र नहीं परछाई खुद की लांघो तो जाने, समुद्र नहीं
परछाई खुद की लांघो तो जाने। एक बात और हाइकू वहीं से देखिए, सिंधु भी चाहे मनु की संतानों का चरण स्पर्श, सिंधु भी चाहे मनु की संतानों का चरण स्पर्श। एक चित्र देखें आप प्रकृति से, हाइकू प्रकृति से भी जुड़ी हुई कविता है, प्रकृति के माध्यम से जीवन की कविता इसको कहते हैं। सौ सौ कानों से, सौ सौ कानों से कनेर ने सुनी है हवा की बातें, क्या बात है, कनेर सौ सौ कानों से कनेर ने ने सुनी है सुनी हवा की हवा की बातें। और एक हाइकू आपको मैं समर्पित करता हूं, खाता है बेटा, बात। खाता है बेटा, तृप्त हो जाती है माँ बिना खाए ही। क्या खाता है बात, बेटा, तृप्त हो तृप्त हो जाती है जाती माँ है। बिना खाए ही। फिर एक हाइकू मुंबई से कि दर्शन लाभ कितना मीठा लगे खारे सिंधु का, दर्शन लाभ कितना मीठा लगे खारे खारे सिंधु सिंधु का। ढूंढ रहा हूँ जन्म जन्मांतरों से खुद को ही मैं, ढूंढ रहा हूँ जन्म जन्मांतरों से खुद को ही मैं। यस, ढूंढ रहा हूं जन्म जन्मांतरों से खुद को ही मैं। एक हाइकू ये देखें कि कपड़े नहीं ब्रांड पहनती हैं, कपड़े नहीं ब्रांड पहनती हैं नई पीढ़ियां, कपड़े नहीं ब्रांड पहनती हैं नई पीढ़ियां। प्रकृति लिखे कितनी लिपियों में, प्रकृति लिखे कितनी लिपियों में सौंदर्य कथा, प्रकृति लिखे कितनी लिपियों में सौंदर्य कथा। तोड़ देता है झूठ के पहाड़ को राई सा सच, तोड़ देता है झूठ के पहाड़ को राई सा सच। हर शहर वुहान ही वुहान, हर शहर वुहान ही वुहान हे भगवान, हर शहर वुहान ही वुहान हे भगवान। और ये हाइकू देखें खास तौर से, माजा दुख ने जीवन का कलश धोया सुख ने, माजा दुख ने जीवन का कलश धोया सुख ने। एक हाइकू और देखें कि कैसे हैं हाल चिड़ियों ने पूछे हैं तीखे सवाल, कैसे हैं हाल चिड़ियों ने पूछे हैं तीखे सवाल। और आखिर में एक हाइकू, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, अत्र तत्र सर्वत्र कंस ही कंस, कहाँ हो कृष्ण अत्र तत्र सर्वत्र कंस ही कंस। तो ये रही हमारी है कुछ हाइकू कविताएं। कई सारे विश्वविद्यालयों में इस पर शोध हो चुका है, हो रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय से भी इस पे एक शोध हुआ है और कई सारे विश्वविद्यालय में हुआ है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर जगदीश व्योम, डॉक्टर जगदीश व्योम हाइकू कोर्स तैयार कर रहे हैं करीब 6,000 हाइकू कविताओं का, जिसमें करीब 800 हाइकू कार शामिल हैं, और बहुत बड़ी किताब होने वाली है ये। और अब इसके बाद मैं अपनी कुछ गजलों की बात करूंगा। मैं हिंदी गजलें लिखता हूँ, हिंदी गजलें दुष्यंत के माध्यम से परदृश्य पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई उन गजलों ने, अन्यथा उसके पहले हिंदी गजल उर्दू गजल की छाया के रूप में हिंदी में गजल की तरह चल रही थी। मैं सबसे पहले अपने कुछ शेर जो आज के लिए मैंने चुने हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप एक मतला एक शेर देखें कि सभी का प्यार पाना चाहती है,
सभी का प्यार पाना चाहती है, गजल विस्तार पाना चाहती है, सभी का प्यार पाना चाहती है। देवेंद्र जी जुड़ गए हैं, नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार नमस्कार रविला जी, नमस्कार। सभी का प्यार पाना चाहती है, आप स्वागत करना चाहें तो कर ले प्रमिला जी, देवेंद्र जी का, फिर हम गजल पढ़ते हैं। पढ़ें आप सर। सभी का प्यार पाना चाहती है, गजल विस्तार पाना चाहती है, गजल के पास है मक्का मदीना, गजल के वाह पास है मक्का मदीना, गजल हरिद्वार पाना चाहती है। गजल के वाह पास भैया, है मक्का मदीना, गजल हरिद्वार पाना चाहती है। एक मतलब और एक शेर देखें कि न इसकी था है कोई, न इसका पार है कोई, न इसकी था है कोई, न इसका पार है कोई, ये दुनिया है अजब, इसका न पारावार है कोई। मैं थोड़ी देर जिससे सर टिकाकर बैठ लेता हूँ, मैं थोड़ी देर जिससे सर टिकाकर बैठ लेता हूँ, वो पत्थर की नहीं उम्मीद की दीवार है कोई। मैं थोड़ी देर या जिससे सर टिकाकर बैठ लेता हूँ, वो पत्थर की नहीं उम्मीद की दीवार है कोई। वाह और कुछ खुशियां आई तो आए कुछ गम भी, कुछ खुशियां आई तो आए कुछ गम भी, दिन बदले तो बदले संग संग मौसम भी, कद से पहले गुण की पूजा होती है, कद से पहले गुण की पूजा होती है, मेरे द्वारे तुलसी भी है शीशम भी, कद वाह से पहले गुण की पूजा होती है, क्या बात मेरे है, द्वारे तुलसी भी है तुलसी शीशम भी है भी। शीशम भी, खुन खुन करे बहुत खूबसूरत। और कमलेश जी, हमारे साथ इस समय आदरणीय देवेंद्र कुमार पाठक जी भी जुड़ गए हैं, और जी जी आप कौन सी रचना सुनाने वाले हैं, या हम देवेंद्र पाठक जी का स्वागत कर लें और फिर आप जी आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कर लीजिए। अब आदरणीय कमलेश जी ने जब गजल की बात शुरू कर ही दी है तो मेरे लिए भी ये जरूरी है कि मैं गजल ही पढूं, क्योंकि मेरे लिए जमीन तो तैयार कर दी हुई है। पहले जी आपका जी स्वागत तो हो जाए। जी जी देवेंद्र हाँ जी, हाँ तो मैं पहले आपका परिचय दे दूं। जी हमारे साथ देवेंद्र कुमार पाठक जी हैं, कटनी मध्य प्रदेश से। नाट्य विधा छोड़कर गीत नवगीत गजल कहानी उपन्यास समीक्षा व्यंग सभी विधाओं में आपका लेखन और प्रकाशन हुआ है। 1981 से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं मीडिया ब्लॉग में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित हुआ है। कई मीडिया पटल से कविता पाठ कर चुके हैं। प्रकाशित पुस्तकों की बात अगर हम करें तो कहानी संग्रह मुहिम, धर्म धरे को दंड, मरी खाल आखिरी ताल और चंसुरिया का सुख, ये इनके कहानी संग्रह हैं। दो उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, विधर्मी और अदनासा आदि भी। तीन कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, एक गीत नवगीत संग्रह है, दुनिया नहीं अंधेरी होगी, और दूसरा है ओढ़ने को आसमान है, गजल संग्रह, और तीन प्रकाशित हुए हैं, आए नहीं सुदिन, छंदमुक्त गीत नवगीत गजल और दोहों का संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। दो व्यंग्य संग्रह, कुत्ता घसीटी दिल का मामला है, और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दुष्यंत कुमार पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से, और पद्मलाल पुन्ना लाल बख्शी साहित्य शिरोमणि, कई सम्मानों से आपको विभूषित किया जा चुका है। शीघ्र प्रकाश एक निबंध संग्रह है, दो गज जमीन भी ना मिली, और एक खंड काव्य है, उस जन्मभूमि घर देहरी से। तो आज आदरणीय देवेंद्र पाठक जी हमारे बीच मौजूद हैं, और इस बीच हमारे साथ कई सुधीजन जुड़ चुके हैं पटल से। सबसे पहले तो आदरणीय कुलीश जी, कुलीश जोशी जी के बारे में मैं बस इतना कहूंगी कि साहित्य संगीत और कला
इन तीनों का जो मिश्रण है वो इनके व्यक्तित्व में समाहित है और उस मिश्रण में बहुत बारीकी बातों को पर इनकी नजर रहती है जो कि जिससे कि लगता है कि इस चीज की इनको बहुत गहरी और अच्छी जानकारी है। पुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मृदुला भारद्वाज जी हैं हमारे साथ। मृदुला भारद्वाज जी मेरे लिए दीदी हैं और पूजनीय हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं और साथ ही साथ साहित्य की तो विरासत में उन्हें मिला है क्योंकि वो आदरणीय सावित्री शर्मा जी की सुपुत्री हैं, तो वो तो रगों में बहता है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका मृदुला दीदी। और हमारे साथ हैं सुधा जुगरान जी। सुधा जुगरान जी बहुत अच्छी कथा लेखिका हैं और कल इन्हीं की कहानी हम इस पेज पर पढ़ने वाले हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं, विदेश से भी इनकी कई पत्रिकाओं में कहानियां प्रकाशित हुई हैं और दो कथा संग्रह इनके सामने आ चुके हैं। सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सृष्टि उपाध्याय जी हैं, सृष्टि उपाध्याय जी भी साहित्य और संगीत से बहुत जुड़ी हुई हैं और बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको समझती हैं। सृष्टि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्राची शाह जी हैं, प्राची जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी हैं, सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी स्वयं एक कलाकार हैं और साथ ही साथ एक रचनाकार भी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। सुधा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हैं इंदु चौबे जी। इंदु चौबे जी का भी की भी गहरी पकड़ है साहित्य और संगीत पर और इसके साथ साथ कला पर भी इनका विशेष वो रहा है, पकड़ रही है इनकी। और मृदुला दीदी तो है ही। गायत्री श्रीवास्तव जी हैं, गायत्री श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय देवेंद्र पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी रचनाएं सुनाएं। मुक्ता चटर्जी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी बहुत सुरीली सुमधुर गायिका हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। मुक्ता जी बहुत बहुत स्वागत है। तो आदरणीय देवेंद्र जी से निवेदन है कि वो रचना पाठ करें। आदरणीय मंजुला जी, राजबिला जी और हमारे वरिष्ठ गजलकार और सभी विधाओं में तारंगत भाई कमलेश भट्ट कमल जी का जी। बहुत दिनों बाद साक्षात दर्शन हो रहा है। पत्र पत्रिकाओं में फोटोएं दिखा करती थीं, अब इस माध्यम में थोड़ा हमने सामने कर दिया है और हम लोग सब 60+70 की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो गजल की बात कही उनने, तो मैं अब गजल के कुछ शेर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मतलब पेश है और दर्शकों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, सुधी श्रोताओं का और वास्तव में श्रोता ही नहीं वो सभी रचनाकार ही होते हैं ज्यादातर साहित्य के, तो इसलिए मैं सबको नमस्कार। बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी बहुत 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 सुंदर रचनाकार हैं, बहुत स्वागत है। तो मर्मज्ञ जी आपका स्वागत करते हुए मतले से शुरू कर रहा हूँ कि पुरानी फोटुओं को देख कर आंखें चमकती हैं। पुरानी फोटो इस संदर्भ में कमलेश जी से थोड़ा अपना राजुला जी से दर्द साझा करना चाहूंगा। पिछले दिनों 19 अगस्त को मेरी जीवन संगनी का देहावसान हो गया और मैं 1 माह 35 दिन बाद अब अपने मन को दूसरी दिशा में ला रहा हूं। तो इतने दिनों तक फोटुओं को देखता रहा तो वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि पुरानी फोटुओं को देख कर आंखें चमकती हैं, पुरानी फोटुओं को देख कर आंखें चमकती हैं।
ये बेला फूल सी घड़ियां, ये बेला फूल सी घड़ियां, ये बेला फूल सी बीती हुई घड़ियां गमकती है पुरानी फोटुओं को देख कर आंखें चमकती है, ये बेला फूल सी बीती हुई घड़ियां गमकती है। और एक तरह कर रहा हूं इसका कि पुकारे पी पपीहा बाग में कोयल कुहकती है। ये पंक्ति दादा जी आपके सम्मान में यहाँ के भावभूमि पर आप पहुंचेंगे कि पुकारे पिए पपीहा बाग में कोयल कुहकती है, गिलहरियों सी मेरे घर में, गिलहरियों सी मेरे घर में, मेरी बिटिया हुदकती हैं, गिलहरियों सी मेरे घर में, मेरी बिटिया हुदकती हैं, पुरानी फोटो को दे। एक और शेर अपनी मना स्थिति पर कि खुशी या गम मिले ज्यादा तो खारे अश्रु बहते हैं, खुशी या गम मिले ज्यादा तो खारे अश्रु बहते हैं, उठी दिल के समंदर में, उठी दिल के समंदर में, जो आंखों से छलकती है, उठी दिल के समंदर में, जो आंखों से छलकती है। और आदरणीय कमल जी की शान में और उनके सम्मान में जी ये खास फिलॉसफी से कि जो होते हैं कोई बिरले, वो होते हैं कोई बिरले, जो रुख बदले हवाओं के। दुष्यंत जी का नाम याद किया था और वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो होते हैं कोई बिरले, जो रुख बदले हवाओं के, जो रुख बदले ने खुद अपना, जो रुख बदले ने खुद अपना, हवाएं रुख बदलती है, जो रुख बदले ने खुद अपना, हवाएं रुख बदलती है। और एक और शेर जी आपके सम्मान में, दर्शकों के सम्मान में, सुधी विद्वत जनों के जो कि सभी साहित्य के मर्मज्ञ होते हैं और मर्मज्ञ जी तो यहाँ है ही, तो इस शेर की बड़ी सार्थकता है कि है जिनके हौसले जिंदा वे उल्टी धार पर चढ़ते है, जिनके हौसले जिंदा वो उल्टी धार पर चढ़ते, जो लाशें होती दरिया की, जो लाशें होती हैं दरिया की, धाराओं में बहती है, जो लाशें होती हैं दरिया की, धाराओं में बहती है, पुरानी फोटुओं को देख कर। और एक और खास शेर, संघर्ष की परिस्थितियों में आदमी की जिज्ञासा का संघर्ष का शेर, आशीर्वाद आशीर्वाद चाहूंगा कमल जी का जी। कि है झुकने की भी हद कोई,
कोई बात है, कब तक झुके कितना, क्या बात है, क्या बात है। झुकने की भी हद कोई, कोई कब तक झुके बिल्कुल कितना, टहनिया टूटने से पहले, टहनिया टूटने से पहले जोरों से उछलती हैं, टहनिया क्या टूटने बात से पहले जोरों से उछलती हैं, ये बेला फूल सी बीती हुई घड़ियां गमकती हैं। और एक सामयिक शेर गजल का, कि जी, जलाकर खाक कर देंगी ये ताजो तख्त को आहें, वाह जलाकर खाक कर देंगी ये ताजो बिल्कुल, तख्त को आहें, जो आंखों में है धुंधुआती, जो आंखों में है धुंधुआती, जो सीने में सुलगती हैं, जो बहुत आंखों में है धुंधुआती, जो सीने में सुलगती हैं। और ये खूब गजल का अंतिम शेर, जी, कि न कोई दफन हो पाया, न कोई दाह हो पाया, न क्या बात, कोई दफन हो पाया, न कोई दाह हो पाया, कहीं आत्माएं भटकी हैं, कहीं आत्माएं भटकी हैं, कहीं रूहें तड़पती हैं, क्या कहीं आत्माएं भटकी हैं, कहीं रूहें तड़पती हैं, पुरानी बात, फोटुओं को देख कर आंखें चमकती हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत जी बढ़िया, बहुत सुंदर राजला जी, पढ़ाए कार्यक्रम कमलेश जी। जी को। मैं और क्या और सुनाऊं, जी मैं तो चाहता था आदरणीय बड़े भाई को सुनता, जी हम भी सुनाएंगे, आप सुना लीजिए पहले। ऐसा जी चलिए, एक गीत है जो मेरा मूल स्वर है, क्योंकि मैं खेतिहर परिवार से जुड़ा रहा हूं, एक पैर गांव में एक पैर शहर में, और अभी जिस माहौल में देश गुजर रहा है, जीडीपी गिर रही है, और ऐसे समय में कुछ ऐसे लोगों के संकल्प की बात करता हूँ जो खबरों में नहीं आते हैं। ये गीत बहरहाल रचना उत्सव इलाहाबाद की पत्रिका में कल ही सूचना आई कि प्रकाशित हुआ है। तो जी जी कमल जी, ये स्वागत, गीत गीत क्या जनगीत कहूंगा इसको मैं, इस चरेर बीमार भूमि की बांगर कोख हरी कर देंगे, इस क्या बात, चरेर बीमार भूमि की बांगर बांगर कोख हरी कर देंगे, खींचेंगे हल डेंगुर बखर, खींचेंगे हल डेंगुर बखर, हम दो पाए जनावर डांगर, हम दो पाए जनावर डांगर, इस चरेर बीमार भूमि की बांगर कोख हरी कर देंगे, खींचेंगे हल डेंगुर बखर, हम दो पाए जनावर डांगर। क्या सुने, बात है, आस भरोसों के मन बंजर, आस भरोसों के मन बंजर, लहलाएंगे हम भर देंगे खलिहानों के खाली बाखर,
हम दो पाए जनाउर डांगर, आस भरोसों से मन बंजर, लहलाएंगे हम भर देंगे खलिहानों के खाली बागर, हम दो पाए जनाउर डांगर, घास फूस खा कर भी रखते तन में इतना जांगर कस बल, घास फूस खा कर भी रखते तन में इतना जांगर कस बल, हाँफ रहे हैं तोड़ रहे दम, हाँफ रहे हैं तोड़ रहे दम, जब बड़ बोले साधन संबल, हाँफ रहे हैं तोड़ रहे दम, जब बड़ बोले साधन संबल, जब कल पुरजे काम नयाते, जब कल पुरजे काम नयाते, कोई व्यवस्था सत्ता दलबल, तब तब अपने श्रम सी करते, तब तब अपने श्रम सी करते, धरा धान्य ते हम देंगे बल, तब तब अपने श्रम सी करते, धरा धान्य ते हम देंगे बल, हम दो पाए जनाउर डांगर, पूंजी साख बाजार गिरेंगे, पूंजी साख बाजार गिरेंगे, मुंहे जब नहीं उठेंगे, पाठ रटाया बिसरा देंगे, पाठ रटाया बिसरा देंगे, जब पिंजरों के सुए उड़ेंगे, जब पिंजरों के सुए उड़ेंगे, नर पिशाच भुज बल धन बल से, नर पिशाच भुज बल धन बल से, जब खूनी दंगल खेलेंगे, हम जनमत के रुख बदलेंगे, हम जनमत के रुख बदलेंगे, गोल बंद हो अगुए बन कर, हम दो पाए जनाउर डांगर, हम दो पाए जनाउर डांगर। बहुत खूबसूरत बिंब आपने खींचे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी। और अब मैं फिर से अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय कमलेश जी से कि वो रचना पाठ करें। आदरणीय कमलेश जी। धन्यवाद राजुल जी। देवेंद्र कुमार पाठक जी ने बहुत ही प्रौढ़ और अच्छी रचनाएं सुनाई, हमारा भी उत्साह वर्धन हुआ उन रचनाओं से। मैं अपनी गजलों के शेर प्रस्तुत कर रहा था, मैं कुछ और शेर प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत। अभी गांव की बात की आपने, मैं राजनीति की बात में दो शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद अच्छे लगे। स्वागत। हमारे चुनाव भी आने वाला है, जितने हो सकते थे हर संभव निकल कर आ गए, जितने हो सकते हर संभव निकल कर आ गए, फिर जबां पर दिल के सब दानव निकल कर आ गए, फिर जबां दिल के सब दानव निकल कर आ गए। और वो शेर जिसके लिए मतला कहा हमने, ईवीएम से रहनुमाओं को निकलना था मगर, ईवीएम से रहनुमाओं को निकलना था मगर, ब्राह्मण ठाकुर दलित यादव निकल कर आ गए। ईवीएम से रहनुमाओं को निकलना था मगर, ब्राह्मण ठाकुर दलित यादव निकल कर आ गए। एक मतलब एक शेर मैं देवेंद्र कुमार पाठक जी को समर्पित करना चाहता हूँ, इनका उपनाम महरूम है, तो इस एक शेर में महरूम आया भी है। तो मैं योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए, योगियों सा संत सा बिल्कुल भला सा चाहिए, झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए, झूठ को भी अपनी खातिर सच का चेहरा चाहिए,
और वो शेर देखें कि और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं, और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं, एक अच्छे आदमी में जितना गुस्सा चाहिए। और सब तो छोड़िए हम उससे भी महरूम हैं, एक अच्छे आदमी में जितना गुस्सा चाहिए। और दो शेर और देखें कि पास रखेगी नहीं सब कुछ लुटाएगी नदी, पास रखेगी नहीं सब कुछ लुटाएगी नदी, शंख सीपी रेत पानी जो भी लाएगी नदी, और हमने वर्षों विष पिलाकर आजमाया है बहुत, हमने वर्षों विष पिलाकर आजमाया है बहुत, अब हमें भी विष पिलाकर आजमाएगी नदी, हमने वर्षों विष पिलाकर आजमाया है बहुत, अब हमें भी विष पिलाकर आजमाएगी नदी। एक हमारा शेर लोगों को बहुत पसंद आया, जो महाराष्ट्र का जो आपका कक्षा 9 का पाठ्यक्रम है उसमें दो गजलें हमारी हैं, उसका एक शेर है ये कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। और मुश्किलों में दूसरों की भी खुशी की सोचता हूँ, मुश्किलों में दूसरों की भी खुशी की सोचता हूँ, मैं अंधेरों में सही पर रोशनी की सोचता हूँ, मैं अंधेरों में सही पर रोशनी की सोचता हूँ, तुम कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो, तुम कभी पानी कभी लहरों तटों की सोचते हो, कष्ट में पूरी नदी है मैं नदी की सोचता हूँ, कष्ट में पूरी नदी है मैं नदी की सोचता हूँ। एक हमारा शेर लोगों ने बहुत पसंद किया है, पाठक जी देखिएगा, विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहां से शाख कटती थी वहीं से कोपले निकली, विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहां से शाख काटी थी वहीं से कोपले निकली। और कभी कभी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं प्रकृति में समाज में, वो तीन शेर ऑब्जर्वेशन के देखिए, वो सूरज देवता ही है जिन्हें खुद अर्घ्य देने को, वो सूरज देवता ही है जिन्हें खुद अर्घ्य देने को, पहाड़ों से कहीं गंगा कहीं गोदावरी निकली, वो सूरज देवता ही है जिन्हें खुद अर्घ्य देने को, पहाड़ों से कहीं गंगा कहीं गोदावरी निकली। एक शेर और देखें कि वो एक नन्हे से कीड़े से न कुछ लेना न देना था, वो एक नन्हे से कीड़े से न कुछ लेना न देना था, जनाजा उसका भी लेकर चली हैं चींटियां कितनी, वो एक से कीड़े से न कुछ लेना न देना था, जनाजा का भी लेकर चली हैं चींटियां कितनी। और एक शेर और इस तरह देखें, एक शेर और देखें कि कई कद्दावरों से इस तरह बदला चुकाते हैं, कई कद्दावरों से इस तरह बदला चुकाते हैं, बनाकर बोनसाई पेड़ों को घर में सजाते हैं, कई कद्दावरों से इस तरह बदला चुकाते हैं, बनाकर बोनसाई पेड़ों को घर में सजाते हैं। और फुटकर शेरों के क्रम में एक एक मतलब एक शेर और है कि उसके पहले एक दो शेर और देख लें कि हमारा देश पूरब का देश कहलाता है, एक शेर हमने लिखा था कभी जमशेदपुर में, उजाला दो कदम बढ़कर अंधेरे को कुचलता है, उजाला दो कदम बढ़कर अंधेरे को कुचलता है, ये पूरब है यहाँ सूरज जरा जल्दी निकलता है, उजाला दो कदम बढ़कर अंधेरे को कुचलता है, ये पूरब है यहाँ सूरज जरा जल्दी निकलता है। और एक शेर और देखें कि अगर दीवार ही उठनी है तो शीशे की हो भाई, देवेंद्र जी एक शेर आपके लिए,
अगर दीवार ही उतनी है तो शीशे की हो भाई, उधर भी रोशनी जाए इधर भी रोशनी आए। अगर दीवार ही उठनी है तो शीशे की हो भाई, उधर भी रोशनी जाए इधर भी रोशनी आए। और फुटकर शेरों के क्रम में आखिरी दो शेर, अलग यह बात है वो आज या फिर कल निकलता है, अलग यह बात है वो आज या फिर कल निकलता है, बहुत मुश्किल सवालों का भी लेकिन हल निकलता है, और निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है। निकलती बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है जी। और राजुल जी आपकी अनुमति हो तो मैं एक आध दो गजलें अपनी प्रस्तुत करूं जी, स्वागत। या देवन जी फिर से सुनाएंगे कुछ? मैं एक गजल के कुछ शेर सुना देता हूँ। चलिए सुना दीजिए फिर हम करें। तहत में पढ़ रहे हैं तो मुझे भी इच्छा हो रही कि मैं तहत में पढ़ू। बिल्कुल बिल्कुल, आप तरन्नुम में भी पढ़े, तहत में पढ़े, जैसा आपको अच्छा लगे। जी जी, नहीं नहीं, समय भी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। समय का संयोजन का संतुलन कर रहा हूँ मैं, इसलिए तहत में पढ़ रहा हूँ कि कैसे अंजाम पर बहस सियासती पहुंची। कमल जी, जी जी, कैसे आपकी तवज्जो चाहूंगा कि कैसे अंजाम पर बहस सियासती पहुंची, हर हदे दुश्मनी हमारी दोस्ती पहुंची। क्या बात, कैसे अंजाम पर बहस सियासती पहुंची, हर हदे दुश्मनी हमारी दोस्ती पहुंची। और शेर अर्ज किया है कि मेरा वजूद क्या है बिन तेरे हयात मेरी, मेरा वजूद क्या है बिन तेरे हयात मेरी, रूठ कर मुझसे तू क्यों हदे खुदकुशी पहुंची, रूठ कर मुझसे तू क्यों हदे खुदकुशी पहुंची। और अर्ज किया है कि तू कितनी झूठी तोहमतें लगाता है मुझ पर, तू कितनी झूठी तोहमतें लगाता है मुझ पर, सब्र की इंतहा पर तेरी ज्यादती पहुंची, सब्र की इंतहा पर तेरी ज्यादती पहुंची। और एक खास शेर कि मेरे घर जश्न तीरगी न देख खिड़की से, जी मेरे घर जश्न तीरगी न देख खिड़की से, मेरे दर द्वार तेरे घर की रोशनी पहुंची, मेरे दर द्वार तेरे घर की रोशनी पहुंची। और गांवों में गंदी नालियां खुली जो शहरों की, गांवों में गंदी नालियां जो खुली शहरों की, तो गांवों के घरों में बुए गंदगी पहुंची, तो गांवों के घरों में बुए गंदगी पहुंची। और एक खास शेर आपकी शान में कमल जी, जिसके लिए गजल कही कि लौट के आई है ससुराल से बेटी महरूम, लौट के आई है ससुराल से बेटी महरूम, मेरे आंगन लिबासे बेवा चांदनी पहुंची, मेरे आंगन लिबासे बेवा चांदनी पहुंची, कैसे अंजाम पर बहस सियासती पहुंची, हर हदे दुश्मनी हमारी दोस्ती पहुंची। और अब कमल जी आप अपनी गजल सुनाएं, अच्छा लगेगा हमें। राजुल जी, देवेंद्र जी, एक ताजा गजल बिल्कुल, कुछ ऑब्जर्वेशन के शेर हैं इसमें। उड़ा करती थी जो पहले यहाँ हर द्वार पर चिड़िया, उड़ा करती थी जो पहले यहाँ हर द्वार पर चिड़िया, न जाने कब से आई ही नहीं दीवार पर चिड़िया, द्वार पर चिड़िया, वाह वाह। उड़ा करती थी जो पहले यहाँ हर द्वार पर चिड़िया, न जाने कब से आई ही नहीं दीवार पर चिड़िया, और छीना है आशियाना भी, छीना है आबो दाना भी, छीना है आशियाना भी, छीना है आबो दाना भी, चकित है बेतरह शहरों के इस विस्तार पर चिड़िया, चकित है बेतरह शहरों के इस विस्तार पर चिड़िया, न जाने कब से आई ही नहीं दीवार पर चिड़िया। और ये शेर देखें कि उन्हें क्यों तो कोई चिंता नहीं होती है औरों की, उन्हें क्यों तो नहीं चिंता, उन्हें क्यों तो नहीं
उन्हें क्यों तो कोई चिंता नहीं होती है, औरों की तरस खाती है इंसानों के इस किरदार पर चिड़िया, तरस खाती है इंसानों के इस किरदार पर चिड़िया, उन्हें क्यों तो कोई चिंता नहीं होती है औरों की, तरस खाती है इंसानों के इस किरदार पर चिड़िया। और ये शेर भी देखें कि बड़े से जिस्म में भी कितना छोटा दिल है लोगों का, बड़े से जिस्म में भी कितना छोटा दिल है लोगों का, बहुत हैरान है दिल के इसी आकार पर चिड़िया, बहुत हैरान है दिल के इसी आकार पर चिड़िया, उड़ा करती थी जो पहले यहाँ हर द्वार पर चिड़िया, हमारे पंख हमसे छीन ले जाएगी एक दिन वो, हमारे पंख हमसे छीन ले जाएगी एक दिन वो, उतर आई अगर सचमुच में ही प्रतिकार पर चिड़िया, हमारे पंख हमसे छीन ले जाएगी एक दिन वो, उतर आई अगर सचमुच में ही प्रतिकार पर चिड़िया, उड़ा करती थी जो पहले यहाँ हर द्वार पर चिड़िया, और गनीमत है दिखाई दे रही है आज तक भी वह, गनीमत है दिखाई दे रही है आज तक भी वह, नहीं तो रूठ भी सकती थी यूं दुत्कार पर चिड़िया, नहीं तो रूठ भी सकती थी यूं दुत्कार पर चिड़िया, न जाने कब से आई ही नहीं दीवार पर चिड़िया, जो डरती ही नहीं है सांप की फुफकार तक से भी, जो डरती ही नहीं है सांप की फुफकार तक से भी, बहुत आहत है अब इंसान के व्यवहार पर चिड़िया, बहुत अब इंसान के व्यवहार पर चिड़िया, और भगीरथ कोई तो आए बचा ले उसको सांसत से, भगीरथ सा कोई आए बचा ले उसको सांसत से, हमेशा सोचती होती है इस उद्धार पर चिड़िया, हमेशा सोचती है इस उद्धार पर चिड़िया। और ये शेर है कि ये धरती उसकी भी तो उतनी है वह सोचती अक्सर, ये धरती उसकी भी तो उतनी है वह सोचती अक्सर, करेगी राज क्या फिर से कभी संसार पर चिड़िया, करेगी राज से कभी संसार पर चिड़िया। और आखिरी शेर इस गजल का है, बहुत उमड़ा जो उन पर प्यार पिंजरों में किया बंदी, बहुत उमड़ा जो उन पर प्यार पिंजरों में किया बंदी, बहुत चिंतित है इंसानों के ऐसे प्यार पर चिड़िया, बहुत चिंतित है इंसानों के ऐसे प्यार पर चिड़िया, बहुत उमड़ा जो उन पर प्यार पिंजरों में किया बंदी, बहुत चिंतित है ऐसे इंसानों के ऐसे प्यार पर चिड़िया, उड़ा करती थी जो पहले यहाँ हर द्वार पर चिड़िया, न जाने कब से आई ही नहीं दीवार पर चिड़िया। तो मैं समझता हूँ कि अपनी बात हमने कह ली है, समय भी पूरा होने वाला है, आप जैसा बताएं। पर्यावरण पर बहुत सुंदर रचना रही है, बहुत सुंदर। और दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, निर्झर के अंतस में व्याकुल वतित मौन जगता है, सहमे सहमे फूल आठ मौसम उदास लगता है। वाओ, वाओ, मौसम की इस उदासी को, पर्यावरण की इस बदहाली को आपने बड़ी खूबसूरती से कह रहा है कविता में। और आदरणीय देवेंद्र जी, आप कुछ चलते चलते सुनाना चाहेंगे? मैं एक गजल, मतलब कुछ दो तीन शेर सुना देता हूँ, क्योंकि अब गजल का माहौल ही है जी, बस समय गजल हो क्या गया है, तो जी जी गजल क्या मैं नज्म है, और ये आपकी आपके सम्मान में भेंट कर रहा हूँ कुछ इसकी पंक्तियाँ। रजला जी, ये आंगन परछी तुलसी चौरा और ज्यादातर चौके में, आंगन परछी तुलसी चौरा और ज्यादातर चौके में, घंटों पहरों खटती रहती माँ दिन दोपहर चौके में, घंटों पहरों खटती रहती माँ दिन दोपहर चौके में, और दो कमरों के घर में जब आ जाते हैं मेहमान कभी, दो कमरों के घर में जब आ जाते हैं मेहमान कभी, दो बच्चों के संग लग जाता माँ का बिस्तर चौके में, दो बच्चों के संग लग जाता माँ का बिस्तर चौके में, अब बेटी बेटे दुविधा में अपने तन मन की पीड़ा को बिन बोले सहती रहती, अपने तन मन की पीड़ा को बिन बोले सहती रहती, रो लेती है कभी अकेले पाकर अवसर चौके में, रो लेती है कभी अकेले पाकर अवसर चौके में,
और मिली नौकरी दूर शहर में भेजा बेटे को हंसकर, मिली नौकरी दूर शहर में भेजा बेटे को हंसकर, और बेटी ब्याह विदा कर अम्मा रोई हिलक कर चौके में, बेटी ब्याह विदा कर अम्मा रोई हिलक कर चौके में, और आई पुत्र वधु घर वह भी बेमन 10 दिन साथ रही, आई पुत्र वधु वह भी बेमन 10 दिन साथ रही, और गए बहु बेटा अम्मा को वहीं छोड़कर चौके में। अब बेटी बेटे बहु जवाई बेटी के जब फोन कभी आते, बेटे बहु जवाई बेटी के जब फोन कभी आते, खुश हो फोन संभाले आते, पिता दौड़ कर चौके में, पिता दौड़ कर चौके में, और अम्मा सेक न पाती रोटी खड़ी खड़ी अब चूल्हे में, बैठी ही रह जाए सेके अगर बैठ कर चौके में, और साफ सफाई अम्मा सी भोजन सुस्वादु अब स्वप्न लगे, जिस दिन सोई नींद आखिरी अम्मा गिर कर चौके में, दाह के मौके पर पहुंचाना बेटा पर बेटी पहुंची। राजूला जी ध्यान चाहूंगा आपका कि दाह के मौके पर पहुंचाना बेटा पर बेटी पहुंची, उसको लगता है अब भी है अम्मा भीतर चौके में, उसको लगता है अम्मा अब भी है अम्मा भीतर चौके में। बहुत सुंदर। अब इच्छा जिसको कहते हैं ना कि प्यास अधूरी है, और अभी बहुत सारा लग रहा है कि आप लोग उसे सुनते रहें, लेकिन समय की भी सीमा है और आप उनकी भी व्यस्तताएं हैं, तो आज की संध्या को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और बहुत सुंदर रचनाओं के साथ आज की ये शाम बीती है। आदरणीय कमलेश जी, आदरणीय देवेंद्र जी, आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला और इस काव्य गोष्ठी में अपनी रचनाओं से जो योगदान दिया है, आज की इस शाम को जो खूबसूरत बनाया है, उसके लिए मैं प्रकाशक, राजूला जी मैं दो शब्द कहूंगा, आप प्रकाशक और आपका बड़ा आभार कि बड़े दिनों बाद हमारे अग्रज कमल जी को इस तरह साक्षात देखने का अवसर मिला। लगभग हम लोग लेखन में समकालीन हैं, मैं 65 का हो रहा हूं और आसपास हमारे कमल भाई भी हैं, तो उनको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं उनका हार्दिक नमन करता हूं, और आपका भी हार्दिक नेह नमन और सभी श्रोताओं का हार्दिक नेह नमन करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार। मेरा भी आभार। तो आज इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं, फिर जुड़ेंगे। और आप दोनों विद्वजनों से अनुरोध है कि कल प्रकाशक के मंच पर जरूर जुड़े, क्योंकि आप लोग कहानीकार भी हैं, और कल विशेष रूप से सुधा आदेश जी, आदरणीय सुधा आदेश जी हैं हमारे बीच, मैंने अभी देखा, माफ कीजिएगा सुधा जी, मैंने अभी अभी देखा, सुधा आदेश जी बहुत अच्छी बहुत सुंदर कहानीकार है और बहुत सुलझी हुई कहानियां रहती है उनकी। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम के अंत में मैं आपको देख पाई। तो कल के इसी पटल पर सुधा जुगराज जी की कहानी पढ़ते हम पढ़ेंगे, और ये पितृपक्ष चल रहा है तो विशेष रूप से मैंने ये कहानी छाटी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर जुड़ेंगे प्रकाशक के पेज पर। अब दीजिए अनुमति, आप दोनों को सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।